हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आप सभी के अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्जाम अपडेट्स में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को ऑलरेडी बता दिया आपका आंसर की कब तक आएगा, तो उसका नेक्स्ट वीडियो इसके पहले अपलोड करिए, अगर नहीं देखे जाके देख ले ताकि आपको आंसर के बारे में जानकारी मिल जाए। इस वीडियो में बात करेंगे बच्चे आपके रिजल्ट डेट के बारे में, यानी आपका जो यूपी पब्लिक एंट्रेंस एग्जाम यानी जीकॉप एंट्रेंस एग्जाम 2022 का एग्जाम हुआ है उसका रिजल्ट कब तक आएगा। ठीक है, पूरा डिटेल में बात करते हैं। उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहले विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि छोटी छोटी अपडेट सबसे पहले मिले और नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको जितने भी अपडेट्स काउंसलिंग से रिलेटेड पूरी हेल्प की जाएगी। यहाँ पर लास्ट काउंसलिंग तक और कॉलेज तक मिलने तक यहाँ पर हेल्प होगी। इसे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और हाँ दोस्तों, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 888-7446-489। आप चाहे तो इस पर मैसेज करके अपना नाम और ज्वाइन ग्रुप लिख के आप लोगों को मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उससे सीधा सीधा आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन हो सकते हैं, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन एक चीज़ याद रखें, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर ज्वाइन होंगे, क्योंकि पता आपको जब काउंसलिंग होगा तो ढेर सारे प्रॉब्लम्स होंगे, तो वहाँ पर पूरे पूरे जो भी कन्फ्यूजन होंगे वहाँ पर दूर होंगे। सभी को इंस्ट्रक्शन दिया था और ये भी पता आपको कि पूरे यूपी पार्टिंग एंट्रेंस एग्जाम जितने भी चैनल उसमें केवल मात्र एक मैंने ही ऐसा ग्रुप बनाया है जिसमें आप सभी को मेरा रिप्लाई मिलता है। पर्सनली अगर मैसेज करते तो मेरा रिप्लाई मिलता है, किसी के स्टूडेंट का कॉल भी होता है तो उनको भी अगर टाइम मिलता है तो मैं बात कर लेता हूँ, जो भी कन्फ्यूजन दूर करता हूँ। और अन्य वाले में क्या होता है, आपको पता है, अगर आप मैसेज भी करेंगे अगर ग्रुप में हो चाहे पर्सनल, तो कभी भी वो लोग मैसेज देखते भी नहीं होंगे, अगर देखते भी होंगे तो रिप्लाई नहीं करते होंगे, क्योंकि दोस्तों वो लोग जानबूझकर ऐसा नहीं करते। आप या करना चाहते हो नहीं हो उनका उनका पर्सनल मैटर है, लेकिन मेरे पास अगर प्रॉब्लम स्टूडेंट का आता तो मैं मुझसे रहा नहीं जाता, मैं डायरेक्ट उनसे कॉन्टेक्ट है और रिप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप से बड़े जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि आपको काउंसलिंग टाइम बहुत हेल्प मिलेगा। कैसे काउंसलिंग कराना, जिन लोगों का कम नंबर उनके लिए भी तरीका है, कैसे कॉलेज मिलेगा, सब कुछ वहाँ पर इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर ज्वाइन हो जाए। तो सीधा सीधा बच्चे चलते हैं आपके जीकॉप एंट्रेंस एग्जाम 2022 का रिजल्ट के बारे में। ठीक है, तो बच्चे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको पता है कि एग्ज़ाम क्या हुआ है, ऑनलाइन हुआ है, यानी CBT माध्यम में हुआ है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हुआ है। आपको पता है जब ऑफलाइन एग्जाम होता था तो करीब करीब एक एक महीना, दो दो महीना, डेढ़ डेढ़ महीना तक लग जाता था रिजल्ट अनाउंस करने। ऐसा क्यों होता था, क्योंकि पता है आपको ऑफलाइन जब होता था तो ओमार सीट मिलती, तो ओमार सीट भरा जाता था, फिर उसको एक एक घंटे में सभी बच्चों का रखा जाता ओमार सीट, फिर उसका ओमार स्कैनर के साथ उसको चेक किया जाता था। मतलब बहुत ज़्यादा प्रोसेस, टाइम, पैसा और साथ में पावर लगती थी, क्योंकि मैन पावर भी बहुत लगता, क्योंकि भाई इतना बहुत लोगों का था ओमार सीट चेक करना। तो अब आपको पता है CBT बेस हुआ है, CBT बेस में पता है आपको कुछ नहीं होता है, उसमें बच्चे सब कुछ ऑलरेडी कंप्यूटर फीड होता है, आंसर की भी उसमें दिया रहता है आपका। जैसे आप लोग एग्ज़ाम देते हैं ना, वैसे ऑलरेडी सॉफ्टवेयर पूरा आपका ट्रैक करता है, आपका जो नंबर है मार्क्स से पूरा चेक कर लेता है कि आपने कितना सही किया है, कितना गलत किया, ऑलरेडी वहाँ पर हो जाता है। मतलब पूरा प्रोसेस होकर सॉफ्टवेयर में फीड होकर स्टोरेज हो जाता है, स्टोर हो जाता है। अब क्या करना रहता है, केवल इनको बस लॉन्च करना रहता है, लेकिन लॉन्च तब करेंगे, आपको पता है कुछ दिन आंसर की का प्रोसेस होगा, उसके बाद फिर थोड़ा फाइनल एक निकाला जाएगा, उसका फिर ये लोग पूरा सेटअप करेंगे सॉफ्टवेयर में, अपडेट करेंगे, क्योंकि पता है तुरंत नहीं किया था चेक, वो जब वहाँ से अपडेट करेंगे, क्योंकि आंसर की के बाद ही पूरा फाइनल होगा। आंसर की जैसे हो जाएगा आप लोग चेक कर लेंगे, अपडेट कर लेंगे, फिर दोबारा एक रिजल्ट बनेगा, उसके बाद आपका रिजल्ट लगभग लॉन्च किया जाएगा। कब, तो डेट की बात करें बच्चे, आपको पता है लगभग 10 से 15 दिन में इनका रिजल्ट लॉन्च होने की संभावना है, यानी टोटल टोटल आपका एग्ज़ाम का जो रिजल्ट आएगा 10 से 15 तारीख के बीच में आ सकता है। हो सकता है एक दो दिन लेट या एक दो दिन फास्ट आएगा, लेकिन संभवतः 100% है, गारंटी मैं देता हूँ 10 से 15 तारीख के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा। और हाँ, जैसे ही रिजल्ट आएगा मैं आपको पूरा प्रोसेस बता दूंगा, तो उसका टेंशन नहीं लेना, इसे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि छोटी छोटी अपडेट सबसे पहले मिले। और व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर ज्वाइन हो जाए, क्योंकि आपको पता है काउंसलिंग टाइम वही हेल्प मिलेगा, और साथ में और जो सब्सक्राइब जरूर चैनल को करें, क्योंकि जो भी काउंसलिंग रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है आपको वहीं मिलेगा। ठीक है, आशा वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद लाइक कर दो। और एक बात और बता दूँ, जिन लोगों ने मेरे साथ क्रैश कोर्स पढ़ा था काफ़ी खुशी हो रही, उन लोगों का लगभग बहुत सारे क्वेश्चन फंसे हैं, अगर आप लोग भी पढ़े हैं, अगर आपका भी क्वेश्चन फंसा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।